हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीके टेक्निकल फंडा पे। दोस्तों, आप ये जो पाउच देख रहे हैं, ये पैकिंग कैसे होता है, आज इसी का वीडियो हमने लेके आया है। तो इससे पहले जो है, हमने जो ग्राइंडर मशीन था मसाला पिसाई के लिए जो था, उसके बाद में जब मसाला पीस जाने के बाद में वो जो पाउडर है उसकी पैकिंग कैसे की जाती है, उसी के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं। तो अभी जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये है लाल मिर्च का पाउडर, जो रेड चिली पाउडर है जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, उसी को ये पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग इस तरीके से उसकी कर सकते हैं। इसमें रेड चिली ही नहीं दोस्तों, आप जो भी मसाले उसमें, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले या जो भी मसाले का आप पाउडर फॉर्म में पैकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मशीन बहुत ही है। अभी ये देखिए, हम यहाँ पे ये हल्दी पैकिंग है, ये देखिए ये कितने मस्त। इसमें आप चाहे तो लड़ में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअल सिंगल पीस में भी निकाल सकते हैं। उसमें आप मशीन सेट करके उसे चला सकते हैं। अगर से आप उससे जैसी सेटिंग करेंगे, आप एक पीस से लेके 50 पीस तक की लड़ किसी भी साइज में निकाल सकते हैं। आपको बस उसमें जो साइज की आपको पैकिंग करनी होती है, उस साइज की उसमें डाई लगाना है और आपका जो प्रोडक्शन है वो चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो ये हल्दी पैक हो रही है, तो यहाँ सिंगल सिंगल पीसेस कट कर रहे हैं। अगर से आपको लड़ में चाहिए तो वो लड़ में भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से इसमें हल्दी पैक हुआ है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें आप ब्रांडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ब्रांडिंग आपका जो भी ट्रेडमार्क हो, जो भी मार्का हो, उसके हिसाब से आप ब्रांडिंग करके इस पर प्रिंटिंग करवा सकते हैं। जो पॉलीथीन है उस पर आप पहले से, ये देखिए अलग अलग ब्रांड में आप जिस तरीके से पैक करना चाहें, जिस तरीके की पैकेजिंग रखना चाहते हैं, अपने ब्रांड के अनुसार, अपने ट्रेडमार्क के अनुसार आप उसमें रख सकते हैं इसमें। और दोस्तों, इसमें मसालों के साथ साथ में जो भी पाउडर फॉर्म में जो भी आइटम होता है उसको आप पैक कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म के सारे, चाहे उसमें आप हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह जो भी हो, मसाले हो, या फिर आपका जो आटा वगैरह भी होता है जो किचन में अपना जो रोटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी एक एक किलो तक की पैकिंग आप इस मशीन में कर सकते हैं। बस उसमें आपको डाई चेंज करना होता है। तो अभी आपको जो आटा कैसे पैक करते हैं वो भी दिखाएंगे। उसमें कन्वेयर सिस्टम है, कन्वेयर सिस्टम में होता है वो, तो उसमें आपको बार बार ऊपर चढ़ के हॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, इससे पहले आपको हमने सिंगल सिंगल दिखाया था, और ये देखिए इस तरीके से इसमें लड़ में भी निकाल सकते हैं। इसमें लंबी लड़ आप 50 लड़ निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये आटा पैकिंग हो कर रहे हैं हम, तो आटा देखिए कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक किलो के पैकेजिंग में इसमें पैक हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मशीन से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी के लिए नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। यदि मशीन आपको चाहिए ये, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। ये वीडियो आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।